अस्सलाम वालेकुम प्यारो, क्या हाल है? खैरियत? ये अट्टा गेंद भाई, ये हमने आटा जो है वो आपके सामने दिखाना था सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन हमने वो नहीं किया काम। हमने जो है ये आटा गूंद लिया है। ये आप गूंदा हुआ आटा देख सकते हैं बड़े आराम के साथ। ये आटा है जी गूंदा हुआ, और इसमें ये डालें जी। हाँ, इसको अच्छी तरह इसमें। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि ये है जी अपना क्या कहते हैं उसे, प्याज। ये है प्याज, और लहसुन कहाँ है जी? ये हो गया जी लहसुन। अब इसकी पेस्ट बन गई है अच्छी सी, और ये देखें, अब इसको साथ साथ मिक्स करें। लहसुन बेचे सब से बेचा, ये अजवाइन और धनिया, उसके बाद हो गया जनाब दालचीनी, और उसके बाद हो गया इसको क्या कहते हैं ये प्याज और लहसुन। ये इसमें आटा डाल दिया है ताकि ये खा सकें। तो ये इनके लिए इतनी बेहतरीन पेस्ट तैयार हो रही है। इनकी गले की जो है खरखराहट ख़ास तौर पे, और नज़ला ज़ुकाम का इलाज है ये, और ग्रोथ में इजाफ़ा करेगी इंशाल्लाह ताला। और जब मैदा पोटा साफ होगा तो इंशाल्लाह ताला भूख भी लगेगी। जब भूख भी लगेगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, और अंडों की जो अफजाइश है वो भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। ये है वैसे रात का वक्त, इस वक्त नहीं खिलाने चाहिए। इस वक्त इसलिए नहीं खिलाने चाहिए, कोई इसका तबी नुकसान नहीं है। बस ये नुकसान ये है कि इस वक्त जो है परिंदा खाने के मूड में नहीं होता। सुबह सुबह खिलानी चाहिए, बिल्कुल जो खाली पेट होते हैं ना, जब उस वक्त इसको खिलाएं तो वो बहुत शौक से इसको खा जाते हैं। अब हम इसको इस तरह करेंगे इंशाल्लाह ताला, यहाँ जो खाएंगे खाएंगे, नहीं खाएंगे तो उस जगह पे रख देंगे जहाँ ये सुबह जो है इस पे झपट पड़ेंगे और ये खा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हो गया उस्ताद जी? हाँ, पहले पहले बिस्मिल्लाह करते हैं इससे ब्लैक से। ब्लैक के आगे आप जो है इस तरह से हाथ से डालें। हाँ, ये देखें जी ब्लैक भी खा रही है, और उसके जो है एक चाविया जरा वो असल साफ साफ नहीं किया ना, भों हाथ आवे भों चूं। ये देखें जी, ये बच्चे भी बड़े शौक से खा रहे हैं, और ब्लैक भी बड़े दूजा कितना भाई। ये देखें जी, अब ये इसको खिलाएं जी, खिलाएं इनको। ये देखें, ये बड़े शौक से खा रहे हैं, हालांकि रात का वक्त है, ये रात को परिंदों का उसूल होता है, तमाम परिंदों का, ये बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, वो बड़ी सी पेड़ी एक दें जी, वो उनको जुल्मी को देते हैं जी। अबू, हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा, बालो बालो उन्हें लकड़ियाँ सटो, लकड़ियाँ सटो, लकड़ियाँ। अच्छा, ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जुल्मी क्या करती है इनके साथ। हाँ जी, जुल्मी साहबा ना उन्हें बेचना सटी था बाहर से। ये देखे जनाब, जुल्मी और उसके बच्चे जो हैं वो अभी इसे चख रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। ये बड़े जो है क्या कहते हैं उसे, पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं, तो ये पहले उसको टेस्ट करेंगे जायका वगैरह, और फिर ये चेक करेंगे कि ये हमारे लिए तो नुकसानदेह तो नहीं है, फिर ये इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये सारे खा रहे हैं, जुल्मी खुद भी खा रही है, और इसने रिकमेंड भी कर दिया है। रिकमेंडेशन की वजह से बच्चे जो हैं अब वो चल पड़े हैं इनकी तरफ। अच्छा, ये बड़ा पेड़ है कितना उस्ताद? बड़े पेड़ को उठा उन्हें को दिखाओ, कोई खनन था चिट्टी देखो चावल।
कमरा बहुत धुआं से भर गया है, धुआं से, और बहुत ही मसला हो गया हमारे लिए। ये एक दफ़ा जो है फिर यही खुराक बनाएंगे इंशाल्लाह। पागल ये देखें जी, जुल्मी तो इंशाल्लाह ताला इसके चट कर गई है। ये बहुत ही नादर नुस्खा है, एक उस्ताद ने बताया है। ये जो सर्दी है उसके नुकसान से बचाता है इनके गले को, और इनका पोटा भी साफ होता है, ग्रोथ होती है अच्छी। तो अभी हमें मज़ा तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम वो आपको नहीं दिखा सके जो उनको मुर्गियों को हम खिलाना चाहते थे। तो उनके लिए ना हम पेड़ियां बना के तो मेज़ के ऊपर रख रहे हैं, वो सुबह उठ के खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी होती जा रही है, ये इंशाल्लाह ताला हमें रिज़ल्ट देगी। तो हमने हफ्ते में लाजमी जो है एक बार इसको ज़रूर आजमाना है और दिखाना है। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा जो है जिसे हम क्या कहते हैं असील जो वो नहीं होता घी, वो थोड़ा सा मिल जाए अगर ऊपर इसको वो डाल दें हम तकरीबन दो उंगली जितना उठा के, तो वो भी इनको जो है अच्छे नतायज देता है। तो आप इसको मुकम्मल रिव्यू कर लें, देख लें आप। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो उतले आया होता भाई, आप तक पता ही क्या नहीं क्या चीज़ है, डाटे पूरे करें। तो ये जो बैठे हैं ऊपर धुएं से नाराज़ हुए, तो ये अभी खाने के मूड में नहीं है, इनके लिए हम रख रहे हैं, ये सुबह सुबह उठ के खुद ही खा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुसीर लुंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, ना करें तो भी मेहरबानी होगी। वस्सलाम।